गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास ऑफ गुरु नानक पब्लिक स्कूल। चिल्ड्रेन, टुडे वी विल डू लेसन 8। आवर रिमेनिंग एक्सरसाइज वी कैन सॉल्व, ओके। फ्रॉम 25th February योर एग्जाम विल बी स्टार्टेड, सो आफ्टरवर्ड्स वी कंप्लीट लेसन 8, वी विल डू रिविजन। सो लेट्स स्टार्ट। इन लास्ट video we learn 30, 3 tens and 2 ones, it means 32. 3 tens and 5 ones means 35. I hope you all are done your homework, okay. Now 41 to 50 exercise our remaining. So let's start. 40 plus 1 is equal to 41, right? Now, how many tens in there? 40, it means what? Yes, exactly. 4 tens and 1, 1. 40 plus 2, 42. 40 plus 2, 42. So, how many tens in 40? Yes, bundle of how many tens? 4. 4 but 4. चार बंडल ऑफ टेन हम करेंगे तो कितने हमें कितना हमें नंबर मिलेगा? 4 टेंस, ओके, मीन्स 40 एंड 2, हाउ मेनी यूनिट इज, हाउ मेनी वन इज 2, सो 44 टेंस एंड 2 वन्स। 40 प्लस 3, 43, सो टेंस की जगह पे क्या आएगा? जैसे आपको एग्जाम में ये ब्लैंक्स आ सकती हैं, सो यू हैव टू रिवाइज दिस ऑल ब्लैंक्स, यू हैव टू राइट, you have to practice of this all blanks. 4 tens and 3 ones. 40 plus 4, 44. So how many tens in it? 4 tens and 4 ones. 40 plus 5, 45. So how many tens in it? 4 tens and 5 ones. 4 tens, it means bundle of 10, how many bundle of 10? 4. Are you got it, children? समझ में आ रहा है आपको बेटा? 4 tens, it means what? जैसे 1 bundle of 10 है, एक 10 मतलब bundle of 10 है, तो कितना होगा? 110. जैसे और एक तो 210, और एक bundle of 10 है तो 3, और एक है तो 4. तो it means 4 tens is equal to 40. So 40 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 4 tens. 5 is 1, तो सिर्फ 5 आएगा। ऐसे ही आपको ये 40 plus 6, 46, तो how many tens in it? 4, और how many ones? 6, तो ये हमें आपको blank homework में करनी है, okay? So now children, match है यहाँ, same जैसे हमने आगे किया था, वैसे ही आपको matching भी करने हैं, ये exam में आ सकते हैं match, so मैं एक आपको करा दे रही हूँ और बाकी क्या आपको होमवर्क में करने हैं। 40 प्लस 3 मीन्स वॉट? 40 प्लस 3 मीन्स 43 यहाँ है, तो हम इसे क्या करेंगे? मैच करेंगे, ओके। तो ये आपको बाकी के होमवर्क में करने हैं। यहाँ भी मैच, 4 टेंस एंड 3, 4 टेंस एंड 2, 4 टेंस एंड 9, 4 टेंस एंड 3, यहाँ वंस आएगा सब में, वन मिनट, ठीक है। 4 टेंस एंड 4 वंस, तो क्या करेंगे हम? 44 यहाँ ही है सामने, ठीक है, आपको यहाँ मैच करना है। 5 टेंस, 5 टेंस मीन्स, टेल मी चिल्ड्रन, 5 tens means, yes, right, 50. So, you can match here to here, okay? 5 tens means what? 5 tens, tens means 10. 5 tens are kitne honge? 50. So, 5, bundle of 10 ka 5 bunch hai. So, 50. Now, children, 51 to 100. You have to write in your notebook in words, 51 to 100 in words you have to write, okay, हम एक बार देख लेते हैं।
5151, 5252, 5353, 5454, 55, 56, 57, 58, 59 and 60, 60. Now again 60 का स्पेलिंग आपको आ गया तो 61 टू 69 आप आराम से लिख सकते हो इजीली. नाउ 61, देखो बेटा आप लोग को लर्न एंड राइट, स्पीक एंड राइट, बोल के लिखोगे तो आप अच्छे से लिख पाओगे. जैसे 61, तो यू हैव टू राइट फर्स्ट 60 स्पेलिंग, आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू राइट 1, ओके. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 and 70, 70, S-E-V-E-N, 70, T-Y लगाना है, तो 70 का स्पेलिंग हो जाएगा. Now 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 and 80, 80, E-I-G-H-T-Y, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 and 90, 90, N-I-N-T-Y, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 90, sorry, 98 आएगा यहाँ, 98, 99 and 100, 100 का स्पेलिंग आपको लर्न करना है, H-U-N-D-R-E-D, 100, okay. Now children, you have to write like this, जैसे मैंने लिखा है, systematically, आपको ऐसे ही 51 टू 100 वर्ड्स में लिखने हैं टू टाइम्स और लर्न भी करना है, ओके. राइट 51 टू 100 टू टाइम्स इन योर मैथ्स नोटबुक एंड डू द रिवीजन ऑफ लेसन 6, 7, 8. यू हैव टू रिवाइज क्लॉक, ब्लैंक्स, ओके, एंड 51 टू 100 भी करने हैं, मैचिंग मैच भी आएगा. तो और जो मैंने कराया है नोटबुक में, हाँ, असेंडिंग डिसेंडिंग भी आएंगे एग्ज़ाम में. सो प्लीज़ रिवाइज ऑल दिस थिंग्स, जो पोर्शन दिया है आपको, आपको सब रिवाइज करना है. एंड वॉट एवर डन इन नोटबुक, टेक्स्ट बुक, हमने जो किया है टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में, वो आपको करना है, ओके चिल्ड्रेन. ब्लैंक्स भी आ सकती हैं, क्लॉक भी आएंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग है, फिर मैचिंग भी हैं, इस तरह की ब्लैंक्स भी आ सकती हैं जो मैंने कराई हैं 21 से 50 में, ओके चिल्ड्रन. नाउ डू द रिविजन रेगुलरली एंड प्रॉपरली, तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. यू गॉट वेरी नाइस मार्क्स, ओके, थैंक यू.